लंबे समय से बच्चे इंतजार करते हैं कि कब विंटर वेकेशन पड़े, कब जो है वो उन्हें विंटर वेकेशन पड़े और वो घूमने के लिए जाए, क्योंकि अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स के वेकेशन की जो है वो बच्चों को इंतजार रहता है, क्योंकि अब सर्दियां जो है वो देखने को मिल रही है और काफी ज्यादा ठंड जो है वो उन इलाकों पर पड़ रही है, यानी कि जम्मू डिवीजन के विंटर जोन की बात करें तो काफी ज्यादा ठंड का माहौल जो है यानी कि इलाकों में जो है अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, जहां पर बारिश जो है वो देखने को मिलती है। और अब आपको बता दी चले कि विंटर वेकेशन जो है वो अनाउंस की गई है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू डिवीजन के जो विंटर जोन है वहां पर विंटर वेकेशन अनाउंस की गई है। विंटर वेकेशन का ऑर्डर जो है वो साफ तौर पर जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा जो है जो जम्मू डिवीजन के विंटर जोन से वहां पर ऑर्डर निकाला गया है और ऑर्डर पे ये साफ तौर पर कहा गया है कि दिसंबर 11 से लेकर फरवरी 29 तक जो है ये छुट्टियां उन विंटर जोन्स में रहेंगी, यानी कि जम्मू डिवीजन के विंटर जोन्स में जो है ये छुट्टियां रहने वाली है। आपको बता दें कि दो स्लैब जो है बनाए गए हैं, जहाँ पर ये बताया गया है कि आठवीं कक्षा तक जो है वो दिसंबर 11 से लेकर 29 2024 तक जो है वो छुट्टियां रहेंगी, यानी कि दिसंबर 11 2023 से फरवरी 29 2024 तक ये छुट्टियां जो है विंटर जोन्स में देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको बताने चले कि 9 से 12 तक जो कक्षा है, जो बच्चे हैं 9 से 12 तक, उन बच्चों को दिसंबर 18 से लेकर फरवरी 29 तक जो है छुट्टियां उन बच्चों को रहेगी। फरवरी की बात करें यानी कि दिसंबर 11 से लेकर फरवरी 29 तक ये छुट्टियां जो है वो अनाउंस की गई है, जहां पर दो स्लैब बनाए गए हैं। एक स्लैब जहां आठवीं कक्षा तक जो बच्चे हैं उन्हें जो है वह दिसंबर 11 से लेकर फरवरी 29 तक उन्हें छुट्टियां पड़ेंगी। दूसरा स्लैब ये है कि जो 9 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक बच्चे हैं उन्हें जो है वो 18 दिसंबर से 29 फरवरी तक छुट्टियां पड़ेंगी। आपको बता दें कि ये हिदायत दी गई है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने भी रेकोगनाइज प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्हें जो है ये ऑर्डर फॉलो करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये डिमांड करता है कि उसे ऑनलाइन गाइडेंस चाहिए तो टीचर को अवेलेबल होना होगा, और अगर कोई भी स्टूडेंट जो डिमांड करता है ऑनलाइन गाइडेंस की तो उसे ऑनलाइन गाइडेंस भी देना होगा। साथ ही साथ टीचर्स को ये भी हिदायत दी गई है कि आपको जो है वो रिपोर्ट बैक करना है फरवरी 21 को, यानी कि फरवरी 21 को आपको रिपोर्ट बैक करना है, स्कूल में आपको पहुंचना है ताकि सारी चीजों का इंतजाम हो सके, क्योंकि आने वाले समय में जब मार्च का महीना आएगा, माह आएगा, तब जो है वो एग्जामिनेशन होते हैं बच्चों के, तो उससे पहले टीचर्स को जो है वो फरवरी 21 को रिपोर्ट बैक करना होगा। तो तमाम उन बच्चों के लिए बेहद ही खुशखबरी है, क्योंकि बच्चे जो है वो काफी लंबे समय से इंतजार करते हैं कि कब जो है विंटर वेकेशंस पड़ेंगे, विंटर जोन जम्मू डिवीजन के विंटर जोन में कब विंटर वेकेशंस पड़ेगी, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है वो बच्चे इंतजार करते हैं कि आखिरकार कब जो है विंटर वेकेशंस देखने को मिलेंगी। तो अब उन तमाम बच्चों के लिए यानी कि उन विंटर जोन्स की बात करें जहां पर इस समय काफी ज्यादा सर्दियां जो है वो देखने को मिल रही है, बारिशों का सिलसिला हो रहा है, बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, तो उन जम्मू डिवीजन के विंटर जोन में जो है विंटर वेकेशन जो है वो अनाउंस कर दी गई है और ऑर्डर भी साफ तौर पर जारी कर दिया गया। मैं आपको फिर ज्यादा बता दी चलूं कि दिसंबर 11 से लेकर फरवरी 29 तक ये छुट्टियां जो है वो रहने वाली है और इनके दो स्लैब बनाए गए हैं जो आपसे साझा कर चुके हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ये भी जरूर बताइएगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो वो जरूर कमेंट सेक्शन पर बताइएगा कि आप इन विंटर वेकेशन पे घूमने कहाँ जाने वाले हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमिता के साथ शिल्पी शर्मा, जम्मू।